डॉक्टर अमन सिंह, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वो नॉर्थ बस्तर में है, एक नक्सल प्रभावित इलाका है। आप छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर 15 साल रह चुके हैं, 15 साल के रमन सिंह के शासन के बाद भी ऐसा क्यों है कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका अभी भी अनसेफ माना जाता है, जहां पर आज भी नक्सल है? छत्तीसगढ़ में 2003 और उसके पिछले 4 दशक से नक्सल आतंक और भय रहा है, और मुझे लगता है कि 2003 के बाद हम लोगों ने कार्रवाई की और सरकार ने कदम उठाए। आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा का पूरा हिस्सा नक्सल समस्या का समाधान हो चुका है, एक पूरा इलाका सरगुजा, बस्तर के भी बड़े हिस्से में अब सामान्य लाइफ हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे संस्थान चल रहे हैं। कुछ इलाके में आज नक्सली सीमित हो गए हैं, सीमित कर रह गए हैं, और ये चुनाव के समय इस प्रकार की गतिविधि करते हैं। मुझे लगता है कि धीरे 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 नक्सलवाद, पहले इस इलाके में ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ चलना मुश्किल था, लोग बस में सफर नहीं कर सकते थे, आज यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, मोटरसाइकिल में लोग जा रहे हैं, आवागमन चल रहा है, पूरे बांदे का इलाका, पूरा कांकेर में आप रात में दिन में लोग सफर करते हैं। सर, पर अभी पिछले ही कुछ दिनों में हमने देखा कि नक्सलियों के आईईडी हमले हुए, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी मरा, पुलिस वाले भी मरे। आज भी जिस इलाके में आपकी सभा हुई उसके बहुत नजदीक आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 लोग घायल हुए। अभी हमारे बहुत सारे जवान बाहर से भी आए हैं, इलेक्शन के दृष्टि से बहुत सारे रोड ओपनिंग लगातार चल रही है। आईडी ब्लास्ट का उपाय अभी तक हमने ढूंढ नहीं पाया, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते अब, वो लड़ने में नहीं कर सकते, बट आईडी ब्लास्ट अचानक किसी भी सड़क में वो ब्लास्ट करते हैं, वही एक नुकसान होता है। बाकी हमारे जवान काफी आगे बढ़ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बस्तर में शांति होगी। हमें ये बताया जा रहा था कि चूंकि यहाँ पे आयरन माइंस भी हैं, इसलिए भी जब आप एंटी आईडी मशीन लेके चलते हैं माइन डिटेक्ट करने के लिए, तो मशीन कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे माइन है या फिर आयरन हो। आईडी का डिटेक्शन आज दुनिया में कहीं टेक्नोलॉजी है नहीं, हमने सभी जगह कोशिश किया, सेना से बात किया, बाकी जगह भी बात किया, और आईडी 4 फीट के बाद 2 फीट के बाद डिटेक्ट करना कठिन है, और इस ये यदि हो जाए तो 100% समाधान में हम पहुंच जाएंगे। सर, क्या कोई तारीख है जब छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन आएंगे, जब छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या आपने कोई डेडलाइन रखी है? 100% छत्तीसगढ़ के अच्छे दिन आ चुके हैं, डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं, एजुकेशन हम यहाँ हो चुका है, सड़कें बन रही है, यहाँ पे बिजली का जाल बिछाने का काम हो चुका है, काम सब हो चुके हैं। कुछ एरिया में, लिमिटेड एरिया में उनकी शक्ति सीमित रह गई है, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में, वो भी धीरे धीरे हम आने वाले 2-3 सालों में इनको खाली कर लेंगे। सर, आज की तारीख में भी ऐसा कहा जाता है कि आपके स्टेट में ऐसे इलाके हैं अबूझमा जैसे, जहां पर भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन है वो घुस नहीं पाया है, जहां पे आज भी नक्शे नहीं बन पाए हैं, जहां पर आज भी इन जंगलों में क्या है क्या नहीं भारत का पूरा तंत्र नहीं जानता। अबूझ नहीं रहा, सर्वे भी हो रहा है, बिजली भी पहुंच गया, राशन दुकान भी हो गए, स्कूल भी जा रहे हैं, सड़कें भी धीरे धीरे अंदर घुसती जा रही हैं, तो अब हम आगे बढ़ गए हैं। कुछ इलाके हैं जहां पे अभी पहुंचना बाकी है, मगर अब ये संभव है कि हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। सर, नक्सल कमांडर हितमा है, गणेश है, वो यहीं पे छत्तीसगढ़ में है, आपकी फोर्सेस इनसे कितना दूर है? अगर आपको एक और टर्म इन ऑफिस मिलता है, क्या आपको लगता है कि जो नक्सल के मेन कमांडर छत्तीसगढ़ में, आप उनको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे? सभी टारगेट में है, सब घूमते रहते हैं और उनके पीछे पुलिस भी है, इंटर स्टेट बॉर्डर में वो कभी तेलंगाना चले जाते हैं, कभी झारखंड चले जाते हैं, कभी आंध्र प्रदेश चले जाते हैं इंटर स्टेट बॉर्डर में, मगर ऐसा नहीं है कि उनके पीछे पुलिस नहीं है, पुलिस उनके पीछे है और उनके ठिकाने को जानने लगी। सर, इस वक्त हम लोग एक नक्सल प्रभावित इलाके के ऊपर हैं, कहा जाता है कि नक्सलियों के पास हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाली सर्फिस टू एयर मिसाइल्स हैं,
जब आप ऐसे इलाकों में जाते हो, क्या आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में टेंशन होती है, चिंता होती है? डर को घर छोड़ के आते हैं और ये मान के चलते हैं कि जब जो होगा होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता और ईश्वर साथ में है तो सारी चीज अच्छे होंगे।